Hi guys, this is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So today's video is all about why to choose Ireland. जी हाँ, अब अगर कहीं जाना है, चाहे हम स्टडी के लिए जाएँ या काम करने के लिए जाना चाहते हैं, जॉब पर्पज से जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस जगह के बारे में तो डिटेल स्टडी करते हैं ना कि क्या प्लस पॉइंट हैं, जाने का कुछ फ़ायदा भी है, यू नो. तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़ चैनल को. ओके, सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की. तो आज हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशन, जॉब मार्केट, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर. तो इसलिए वीडियो को देखिए ध्यान से और एंड तक. आयरलैंड का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. जी हाँ, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और हाँ, ये यूके का पार्ट नहीं है. नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ यूके, और अब तो यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, अलग हो गया है, बट आयरलैंड इज स्टिल पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन. एंड जो आयरलैंड में करेंसी चलती है वो करेंसी है यूरो. तो अब बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की कि हमें आयरलैंड क्यों आना है. अब अगर कहीं आना है तो सबसे पहले तो ये ना कि भाई वहाँ की भाषा हमें आती हो. हम अगर स्टडी भी कर रहे हैं या फिर अपने काम के लिए भी अगर आए हैं तो यू नो कम्युनिकेशन तो मस्ट है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं. तो ये आइलैंड के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है प्रोफेशनल लैंग्वेज एज अ, वो इंग्लिश है. जी हाँ, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप बिल्कुल आइलैंड आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे आइलैंड की जो लैंग्वेज है वो आयरिश है, बट यहाँ पर इट्सेल्फ आयरिश बोलने वाले लोग 50% से भी कम हैं. जी हाँ, तो यहाँ मोस्टली लोग इंग्लिश ही बोलते हैं. तो आप आराम से आइए, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर फील नहीं होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऑफ आयरलैंड. और हमारा जो ये आइलैंड है ना, ये साइज़ में बहुत छोटा है. छोटा मतलब आप मान लीजिए अपने दिल्ली और हरियाणा को मिला लीजिए, बस इसका साइज़ इतना ही है. तो इसलिए आप कभी भी कहीं पर भी घूमने का प्रोग्राम बनाइए, वीकेंड पर आराम से घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. छोटी जगह है ना, तो जाना आना भी आसान रहता है. और फिर उसके बाद देखिए, ये जगह है ना नेचुरली डिज़ास्टर से एकदम सेफ जगह है. जी हाँ, यहाँ पे ना किसी सुनामी का खतरा है, ना किसी अर्थक्वेक का खतरा है, और ना ही कोई वॉल्केनो इरप्शन वगैरह होते हैं. तो नेचुरली ये जगह ना बहुत सेफ जगह है आने के लिए. अब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो यस, आइलैंड जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत जगह है. कुछ जगह मैंने एक्सप्लोर की है और भी बहुत सारी मेरी लिस्ट में है जो एक्सप्लोर करनी है. बट हाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है. ग्रीनरी सब जगह मिलेगी आपको, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, स्टनिंग व्यूज़ हैं हर जगह, माउंटेंस भी हैं, बीचेस भी हैं, और आप जब चाहे यहाँ पर यू नो साइकिलिंग के मज़े ले सकते हैं. अगर आप बुश वॉकिंग पसंद करते हैं तो बुश वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, वट एवर यू लाइक, यू विल इन्जॉय द नेचर ऑफ आइलैंड वेरी मच. नेक्स्ट प्लस पॉइंट आइलैंड के साथ आता है कि ये आइलैंड जो है ना वो सारे यूरोपियन यूनियन के लिए ना एक गेटवे है. जी हाँ, अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइलैंड आ जाइए, और यहाँ से जब आपका मन करे ट्रिप प्लान कीजिए. आप पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाइए, बहुत ईजीली आप जा सकते हैं, बहुत सस्ते में जा सकते हैं. रायन एयरवेज से टिकट बहुत चीप मिल जाते हैं आपको, और टाइम भी आपका बहुत कम लगता है. हार्डली 2-3 घंटे में आप पेरिस, जर्मनी, जहाँ आप जाना चाहते हैं ना वहाँ जाइए, अच्छे से टाइम एंजॉय कीजिए. उसके बाद एक चीज़ ये कि यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है. बहुत ज़्यादा इंडियंस आपको मिलेंगे, क्योंकि होता है ना जब हम देश के बाहर होते हैं तो अपने देश को मिस तो करते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ अपने टाइप के लोग भी मिलें. तो हाँ, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ग्रुप्स हैं, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, उनसे आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू. कुछ कम्युनिटीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप देखिए. क्योंकि जब हम लोग आइलैंड आने वाले थे तो मैंने भी कुछ कम्युनिटीज़ ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, और उनसे बहुत सारी जो मेरी क्वेरीज़ थी, यू नो जब नई जगह होती है तो क्वेरीज़ होती हैं, तो वो मैंने भी की थी, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. क्योंकि मेरे ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर सब लोगों ने ज़रूर किया था, तो वो बहुत अच्छा एक सपोर्ट रहता है कम्युनिटी का. और इनफैक्ट आइलैंड में कुछ जगह, कुछ लोकेशंस तो ऐसी है जहाँ पर अगर आप रहेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको आयरिश लोग कम मिलेंगे उस एरिया में, और इंडियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, और सब लोग मिलके ना सारे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं. तो थोड़ा सा हम अपने घर को कम मिस करते हैं, यू नो जब हम त्यौहार पर सब साथ होते हैं ना तो अच्छा लगता है.
तो आयरलैंड आने का जो नेक्स्ट रीज़न है वो है यूरो। बिल्कुल, जब आप यहाँ पर आते हैं, यूरो में कमाते हैं और उसे जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, यू नो। तो बिल्कुल, यूरो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है और अच्छी करेंसी है। तो बिल्कुल आप आयरलैंड आइए और यूरो में कमाइए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। आयरलैंड के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग हैं आपको, यू नो, आते जाते हुए आप अच्छे से स्माइल करते हुए लोग आपको मिलेंगे। तो काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए लोग मोस्टली आयरलैंड आते हैं, जी हाँ, वो है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम मोस्टली जो स्टूडेंट स्टडी करने के लिए इंडिया से या और भी दूसरी कंट्रीज से आयरलैंड आते हैं, तो वो आयरलैंड को चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ की अच्छी और यू नो गुड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की वजह से। जी हाँ, आयरलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में से आती हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, जी हाँ, DCU है, और डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी है, UCD, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क है, एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गैलवे है। तो बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं एक्चुअली, जो काफ़ी अच्छी हैं, जिनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है और वर्ल्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आप यहाँ से अपनी कोई भी डिग्री लेते हैं तो आपको वो डिग्री बेनिफिशियल ही रहेगी। और देखिए, जब स्टूडेंट यहाँ पर यू नो स्टडी करने के लिए आते हैं, तो कई बार यू नो जब हम आते हैं इंडिया से ना, तो हम स्टडी लोन भी लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ की फ़ीस वगैरह पे करनी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट प्लस पॉइंट एक ये होता है कि जब आप एज ए स्टूडेंट अगर आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर आराम से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आप लीगली यू नो यू आर एलिजिबल कि आप 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेट मिलता है दैट इज़ 10 यूरो के आसपास है, 10.12 यूरोस पर आवर आपको मिलता है। तो आप अगर आपको जॉब मिल जाती है, वैसे इजीली मिल ही जाती है, देखो स्टूडेंट्स को करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब, तो आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हैं, यू नो आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा एज ए यू नो फाइनेंशियली। और सेकेंड चीज़ ये कि जब यूनिवर्सिटी के ब्रेक्स होते हैं ना, समर टाइम जब होता है, उस टाइम पर आप एलिजिबल होते हैं 40 आवर्स की जॉब करने के लिए भी। जी हाँ, उस टाइम पर 20 आवर्स नहीं, आप पूरे पूरे वीक आराम से फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और अच्छे से अपना यू नो पैसा अर्न कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जॉब मार्केट यू नो आयरलैंड में, तो वो तो बहुत ही कमाल का है जॉब मार्केट आयरलैंड में। देखिए, नॉर्मली अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आपकी मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल जाता है, तो उसमें आप आराम से फुल टाइम वर्क करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। आप जॉब सर्च कीजिए और जॉब मिल ही जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी, आप बस नाम लीजिए और वो कंपनी आपको यहाँ मिलेगी। बहुत सी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं, गूगल है यहाँ पर, ट्विटर है, फेसबुक है, डेल आइलैंड है, एप्पल आइलैंड है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और ये तो वो कंपनीज़ हैं जो यू नो MNC कंपनीज़ है, यहाँ की लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पर। और धीरे धीरे यू नो जो सारी बाकी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पर लैंड ले रही हैं और अपने बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी आयरलैंड में बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, तो इट्स अ वेरी गुड मार्केट। आप जॉब के लिए भी अगर देखेंगे तो आयरलैंड बहुत ही सूटेबल प्लेस है। नाउ नेक्स्ट ये कि अगर आप पार्टी लविंग पर्सन है ना, तो ये बहुत ही हैपनिंग जगह है। जी हाँ, यहाँ पर इटसेल्फ अगर मैं बात करूँ डबलिन की, तो डबलिन में मोर देन 750 पब्स हैं। तो अगर आपको पार्टी वार्टी करना अच्छा लगता है यू नो, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है आपके लिए। आप आराम से आइए, वीकेंड पे इंजॉय कीजिए, जब जी चाहे इंजॉय कीजिए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। नाउ नेक्स्ट ये कि भाई हम बाद में सोचते हैं ना कि एट दी एंड अगर हमें सेटल होना है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आयरलैंड देता है। तो देखिए, आप अगर क्रिटिकल स्किल वीज़ा पर हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप के 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो 2 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई PR। जी हाँ, आप डायरेक्टली PR अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी PR आने के बाद आफ्टर 5 ईयर्स आप यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं। सो आर यू स्टिल थिंकिंग कि आयरलैंड आना है? अरे बिल्कुल आना है भाई, बिल्कुल आइए आयरलैंड, ये बहुत अच्छी जगह है स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो काम करने आना चाहते हैं एज अ जॉब यू नो, उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। एक जॉब में आइए, दूसरी जॉब स्विच कीजिए, अच्छे से अर्न कीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, शेयर कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
So that's all for today's video. Take care. Bye bye.